सोलन में निजी संस्थान द्वारा मिस हिमाचल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सेमीफाइनल में प्रदेश भर से आई करीबन 60 युवतियों ने भाग लिया। इन युवतियों ने रैंप पर बेहद प्रदर्शन और आत्मविश्वास के साथ जलवे बिखेरे और अपने टैलेंट से निर्णायक मंडल को खूब प्रभावित किया। युवतियों को रैंप वॉक करते देख ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये प्रतियोगिता जैसे हिमाचल में ना हो किसी मेट्रो सिटी में आयोजित की जा रही हो, क्योंकि प्रतियोगिता में भाग लेने आई युवतियां हर लिहाज से मुंबई या दिल्ली की लड़कियों से कम दिखाई नहीं पड़ रही थी। इस प्रतियोगिता में जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने युवतियों को मेहनत और लगन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में जो भी युवती अव्वल रहेगी उसे मिस इंडिया में भाग लेने का मौका मिलेगा। जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने इस मौके पर कहा कि युवतियां बेहद उत्साहित और आत्मविश्वास के साथ रैंप वॉक कर रही थी, जिसे देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता, यह यकीन कर पाना मुश्किल है कि वह हिमाचल के छोटे से गांवों से संबंध रखती हैं। उन्होंने कहा कि युवतियों को रेड कार्पेट पर रैंप वॉक करने का मौका उन्हें संस्थान द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन वह अपनी लगन और मेहनत से वह ग्रीन कार्पेट तक पहुंच सकती हैं। उन्होंने उपस्थित युवतियों के सुनहरे भविष्य की कामना की और उन्हें आगे बढ़ने और जीवन का लक्ष्य पूरा करने की शुभकामनाएं भी दी। सोलन के धर्मपुर में मिस हिमाचल उसके सेमीफाइनल राउंड यहाँ चले हुए हैं, आज ही इसको विटनेस करने का मौका मिला। मैं सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। इसमें एक प्लेटफॉर्म मिला है हमारे हर दूर दराज हिमाचली लड़कियों को एक आने का, अपनी प्रतिभा को निखारने का और देखने का कि वो आगे नेशनल लेवल तक पहुंचती हैं। शायद इनका टाइप है मिस इंडिया के साथ और यहाँ से एक डायरेक्ट एंट्री मिलती है। ये ग्रीन कारपेट है, उसके बाद इनको अगर लकी रहा, क्योंकि पार्टिसिपेशन सबसे इंपॉर्टेंट इशू रहता है, सबसे आप पार्टिसिपेट करें कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको नई चीज़ देखने को मिलती है। लड़कियाँ दूर दूर से आई हैं, उनके लिए ऐसे माहौल में आना एक अलग एक्सपोजर रहता है और ये ग्रीन कारपेट की तरह काम करता है। ऑफ कोर्स अगर वो मेहनत करेंगी तो मॉडलिंग के क्षेत्र में बॉलीवुड हॉलीवुड या फिर पंजाबी मूवीज़, तो उनके लिए एवेन्यूज़ की कमी नहीं है। और आई विश देम ऑल द बेस्ट।